रेसिपी। और यहाँ पर सारे फोरन भी हम तैयार कर लिए हैं, धनिया पत्ता लहसुन। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसा हैं आप लोग? कहती बहुत ही अच्छे होंगे। सोना चारू ब्लॉग पे आप सभी को स्वागत है। सो दोस्तों, अभी शाम का बज चुका है 6 और आज दिन भर मौसम खराब किया हुआ है, पूरी तरह से बादल ही बादल एकदम है। और देखते हैं, शायद रात को पानी भी आ जाए, ऐसा अनुभव है, पता नहीं आता है कि नहीं। वैसे तो नहीं आना चाहिए क्योंकि पथेरों लोग को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और अभी हम दूसरे जगह पर खड़ा है और फिलहाल अभी यहाँ पर अदहन बैठा लिए हैं, तो अदहन का पानी जो है खोल रहा है। और यहाँ पर हम चावल को धो करके रख लिए हैं, यह है अरवे चावल। अरवे चावल यहाँ पर कम में देता है, तो इस वजह से हम लोग अक्सर अरवे चावल ही खाते हैं। तब हम यहाँ पर डाल देते हैं, पानी खोलना शुरू हो गया है। इसको हम अदहन बैठा करके और धो करके इसको हम छोड़ दिए थे, तो ये आसानी से इधर फूल रहा था। अब हम यहाँ पर डाल देते हैं, क्योंकि वैसे करने से तो एक ही बार उबलेगा और उसके बाद में चावल बन के तैयार हो जाएगा। राशन चावल खाते हैं तो 30 से 35 रुपये देता है, और ये चावल है 27 से 28 रुपये में दे देता है। तो इस चलते हम लोग राशन चावल नहीं खाते हैं, उससे अरवे चावल ही खाते हैं। तो अभी बनेगा फिलहाल यहाँ पर मछली। तो अभी हम चावल डाल लिए हैं, चावल इधर दबक रहा है, तब तक हम आप सभी को बता देते हैं आज सब्जी क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मछली है, बिहार का ये काला मछली, इसी को सब्जी बनाएंगे आज रेसिपी। और यहाँ पर सारे फोरन भी हम तैयार कर लिए हैं, धनिया पत्ता लहसुन मरचाई टमाटर सारे कुछ एक ही में काट करके रख दिए हैं। और यहाँ पर हम मसाले भी पीस लिए हैं, सरसों गरम मसाला जीरा जीरा गोल की हल्दी और थोड़ा सा हम यहाँ पर धनिया का पाउडर डाल दिए हैं। अब हम मसाला पीस लिए हैं, तब सिर्फ चावल बनेंगे। भात हम बना लिए और उसको पसा करके रख दिए हैं, और कढ़ाई मेरा इधर गरम हो गया है, इसमें हम तेल को डाल देते हैं। अब हमको मछली को तलना है, तेल को गरम होने देते हैं। तो तेल मेरा गरम हो गया है, तब मछली को तलेंगे। डाल दिए हैं और जिस तरफ अच्छे से इसको कलर आने देंगे, उसके बाद में पलटेंगे। तो मछली को तल रहे हैं और तलने में काफी ज्यादा रिस्क हो रहा है, क्योंकि मछली हमारा तला रहा है वहां पर और हम यहाँ पर खड़ा है 2 कदम दूरी में, क्योंकि काफी ज्यादा एकदम पूरी तरह से फूटने लगता है। और एक बार का हम यहाँ पर तल कर रखे हैं, काफी मस्त एकदम पीस पीस में है, कुछ भी नहीं हुआ है, मस्त एकदम अच्छे से। और यहाँ पर मिक्स काफी ज्यादा है, फूटता है एकदम। इस वजह से दिखाने नहीं। तो मछली को हम तल लिए हैं, अब हम फोरन डाल देते हैं, लहसुन और प्याज हरा मिर्चाई है उसको भी डाल देंगे। अच्छे से भुंजाने देते हैं। तो फोरन मेरा भुंजा गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर को। टमाटर हम 2 काट लिए हैं,
अब हम यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक को डाल देंगे इस तरह से, और टमाटर को थोड़ा सा भुंजाने देते हैं, गलने देते हैं। तो टमाटर हमारा गल गया है, इसमें हम डाल दे रहे हैं मसाला, जो हम सारे मसाले पीस करके लाए थे। मसाले को अब हम अच्छे से भून लेते हैं, क्योंकि टमाटर तो हमारा भुजा गया है, लेकिन मसाला जब भुन जाएगा नहीं तो टेस्टी नहीं लगेगा। मसाले को भून लेते हैं। मसाला हमारा भुंजा करके तैयार हो गया है पूरी तरह से अच्छे से। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। अब अच्छे से मसाले को डबकने देंगे, बस ज्यादा गाढ़ा नहीं रखेंगे, इतना में हो जाएगा। चारू का अभी तक पता नहीं किधर खेल रही है। अब डबकाते हैं, जब तक ये डबकेगा तब तक हम धनिया पत्ता सारे कुछ काट कर तैयार रख लेते हैं। तो मसाला पानी मेरा डबक के तैयार हो गया है, तब हम यहाँ पर डाल देते हैं मछली को इस तरह से। अब अच्छे से इसको मिला देते हैं। देखिए काफी मस्त एकदम तैयार हो चुका है। एक बार थोड़ा सा इसको डबकने देते हैं। डबक रहा है तो चलिए अब यहाँ पर धनिया पत्ता को भी डाल देते हैं, काट लिए हैं इस तरह से। अब अच्छे से मिला लेते हैं। पूरी तरह से मिक्स कर दिए, अच्छे से मिल गया। अब हम इसको उतार देते हैं। तो चावल भी मेरा बन गया, सब्जी भी बन गया। तो यहाँ पर हम खाना निकाल रहे हैं, भात और मछली का सब्जी भी निकालेंगे। चावल हमारा बहुत ही अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर सब्जी है, दो ठो करछुल डाल दिए हैं, एक है चटुआ एक है करछुल। तो यहाँ पर चारों पापा को निकाल देते हैं इस तरह से। ये है चारू पापा के लिए यहाँ पर, और चारू और हम खाएंगे यहाँ पर। तो हम एक ही में ले लेते हैं, दुभा है लेकिन दुभा में निकाल रहे हैं, हम एक ही में खाएंगे। चारू आ जाओ। बात का ये चारू को काफी ज्यादा भूख लगा है, बोलने बोल रहे हैं ना, तो बोल रही है बाय बाय भात खाएंगे बोल रही है। चलो बोल दो। मछली खा रहे हैं, बोलो। बोल दो। काटा है, काटा नहीं खाओ, काटा को रख दो, यहाँ रख दो, रखो। तो चारू तो अपना बातें बता दी, चलिए अब हम लोग भी खाना खाते हैं। तो खाएंगे सब्जी मछली का। हाँ वो अच्छा है, खाओ उसको, खाओ, काटा नहीं है उसमें, बहुत मस्त एकदम बना हुआ है।
तो मछली खा रहे हैं और थोड़ा सा झाल है, लेकिन काफी मजा आया। तो चलिए ब्लॉग को हमने रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। बाय बाय बोलो।